नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी करंट अफेयर्स का जो वीकली वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, आज उसका ये थर्ड वीडियो है हमारा। इसमें हम लास्ट वीक के बारे में बात करेंगे, मंडे से लेके और आज तक का 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर के करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वन फार्मूला वन टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इसके बारे में हम आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं, पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये जीता किसने है रेस? करेक्ट आंसर है लिवाइस हैमिल्टन। जी हाँ, ब्रिटेन के हैं, यूके के हैं और मर्सिडीज ड्राइव करते हैं, ठीक है। और ये इस सीज़न की 2020 के सीज़न की ये 9th रेस है। अभी 5 रेस और बची हुई हैं इस सीज़न में, टोटल 18 रेस होनी थी, जिसमें कि स्टार्टिंग की 4 हमारी पोस्टपोन हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। बाकी 14 रेस बची हैं वो अभी हो रही हैं, अभी 9th हो चुकी है, ये जो हुई है ये 9th रेस है, और अभी 5 रेस और बची हैं इस सीज़न में 2020 में। पूरी लिस्ट अगर आप चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपको सर्च करना होगा फार्मूला वन विनर्स लिस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम द फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय जनता दल RJD। RJD क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की, मिस्टर लालू प्रसाद यादव की, ठीक है। एंड यूनियन मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली, आपको बताना है कौन था नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था RJD का और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुका है, उसका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, रघुवंश प्रताप सिंह। जी हाँ, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा ये आपका बिहार की वैशाली कंस्टिट्यूएंसी है, वैशाली वहाँ से आते हैं, ठीक है, सांसद रह चुके हैं, वैशाली कंस्टिट्यूएंसी है इनकी, और RJD के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, नाम था रघुवंश प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज हिंदी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हिंदी डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, 14 सितंबर। अब बात करते हैं आखिर हिंदी डे क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, हमारे एक हिंदी के बहुत ही फेमस साहित्यकार थे राजेंद्र सिम्हा जी, ब्योहर, जिनका पूरा नाम है ब्योहर राजेंद्र सिम्हा। इनका जन्म हुआ था 14 सितंबर 1900 में, और ये हिंदी के एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही विख्यात साहित्यकार थे। बोला जाता है कि जो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने में, मतलब जो बोलते हैं ना कि नेशनल लैंग्वेज बनाने में, इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वजह से इनका जो 50वां बर्थडे था 14 सितंबर 1949 को, उस दिन हिंदी भाषा को आधिकारिक, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया, हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया 14 सितंबर 1949 को। इनका 50वां बर्थडे था, हिंदी के साहित्यकार थे, तो इसलिए उस दिन से शुरुआत हो गई, हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर हिज मराठी लैंग्वेज फीचर द डिसिपल एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल? तो देखिए, फिल्म फेस्टिवल की बात करी जाए तो पूरी दुनिया में 3 फिल्म फेस्टिवल हैं जो बहुत फेमस हैं, जिसमें से सबसे एक आता है हमारा वेनिस फिल्म फेस्टिवल, आपने दूसरा एक नाम सुना होगा कांस फिल्म फेस्टिवल, और एक तीसरा हमारा है बहुत फेमस है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। वेनिस फिल्म फेस्टिवल आपका इटली का है, कांस फिल्म फेस्टिवल आपका फ्रांस का है, पेरिस में होता है, और इसके साथ साथ आपका बर्लिन जो है ये आपका जर्मनी का फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें कि बोला जाता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है। और जो इस बार जो अवार्ड दिया गया है ये था हमारा 77th एडिशन फिल्म फेस्टिवल का, वेनिस फिल्म फेस्टिवल का। अब देखिए, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड मिलते हैं, इसकी जो सबसे फेमस कैटेगरी है जो अवार्ड मिलता है वो है गोल्डन लॉयन। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज़ में मिलते हैं, 8 कैटेगरीज़ हैं टोटल, ठीक है। तो बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जो मिला है वो इस बार दिया गया है चैतन्य तम्हाने को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2001 के बाद से फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर हैं।
इसलिए आप याद रखिएगा 2001 के बाद से। 2001 में एक हमारा एक और थी हमारी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनका नाम था मीरा नायर, और इनकी इनको दिया गया था मॉनसून वेडिंग के लिए, मॉनसून वेडिंग फिल्म थी, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड, ठीक है 2001 में। उसके बाद से अब इनको मिला है 2001 के बाद से। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में चैतन्य तम्हाने इनको दिया गया है, मराठी लैंग्वेज इनकी फिल्म थी, फिल्म का नाम है द डिसिपल, इसके लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है। और अगर वेनिस फिल्म फेस्टिवल की बात कर ली जाए तो 1932 में इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब 1932 से चालू हुआ है, ठीक है, और सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द यूएस ओपन 2020 मैन सिंगल्स टाइटल, और क्वेश्चन नंबर 6 है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द यूएस ओपन 2020 वुमेन सिंगल्स टाइटल। अगर आप वीडियो देख रहे हैं दो मिनट के लिए पॉज करिए और सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है यूएस ओपन मैन सिंगल्स टाइटल, ऑप्शन सी डोमिनिक थीम। जी हाँ, अभी यूएस ओपन हुआ, देखिए पूरे साल में चार होते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम, जिसमें कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विम्बलडन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जनवरी में हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ नहीं कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, विम्बलडन हुआ नहीं कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, तो अब बचा सिर्फ यूएस ओपन जो ऑलरेडी हो चुका है। पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। मैन सिंगल्स का अवार्ड जीता है डोमिनिक थीम ने, और इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज्वेर्व। अलेक्जेंडर ज्वेर्व जर्मनी के प्लेयर हैं, और अगर बात करी जाए डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं, ठीक है, और ये इनका पहला फर्स्ट यूएस ओपन सिंगल्स टाइटल का अवार्ड है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है यूएस ओपन 2020 वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है, नाओमी ओसाका जापान की प्लेयर हैं, और ये उनका सेकंड यूएस ओपन टाइटल है सिंगल्स का, इसके पहले भी ये जीत चुकी हैं, ये दूसरा टाइटल है इनका। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं, जापान की हैं। किसको हराया था, रनर अप बनी थी विक्टोरिया अजारेंका, ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं, बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं, इनको हराया था। बाकी पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर द सेटिंग अप ऑफ द स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने ये लागू किया एक नोटिफिकेशन, एक अपना स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज बनाया, उसको पावर दिए हैं कि आप विदाउट एनी सर्च वारंट, किसी भी सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट आपके पास हो चाहे ना हो, आपकी किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं किसी से भी पूछे बिना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यूपी सरकार ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाया है, उसको ये पावर दी है कि आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग री इलेक्टेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस चेयरमैन बोलिए या बोला जाता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा का किसको बनाया गया है भैया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह। ये ऑलरेडी इसके पहले भी यही थे, दो साल 2018 में बने थे, दो साल का कार्यकाल होता है, इसके बाद 2020 अप्रैल में ख़त्म हुआ था, दोबारा से इनको फिर से इलेक्ट किया गया, इनको दोबारा से बनाया गया है डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का। और अगर बात करी जाए राज्यसभा के चेयरमैन की, तो राज्यसभा के चेयरमैन कितने होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं जो आपके सॉरी चेयरमैन कितने होते हैं ये नहीं मुझे बोलना चाहिए था, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, मेंबर होते हैं आपके 245, ठीक है, जिसमें कि 233 मेंबर्स को हमारे जो पूरे देश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, और बाकी जो 12 बचते हैं इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति इलेक्ट करते हैं, ठीक है। टोटल 245 मेंबर होते हैं राज्यसभा के। तो वाइस चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, और चेयरमैन की बात करी जाए तो चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा बनाया जाता है किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, मिस्टर वेंकैया नायडू हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज ASCI चेयरमैन। ASCI चेयरमैन, पहले तो समझिए ASCI क्या है, ASCI है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड्स काउंसिल
ऑफ इंडिया। ठीक है, 1985 में बनी थी ये, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता क्या है, जो हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, जितनी भी मान लीजिए ये सब सपोज हमारे हिंदुस्तान में एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, ये इनके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उसको बोला गया है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कि एक तरह से जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं इनके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरी इनकी निगरानी करता है, मतलब इनके सारे क्या फंक्शंस हैं, क्या ये किस तरह से काम करते हैं, सारी कुछ उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल्स ऑफ इंडिया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना आपको, गवर्नमेंट का नहीं है ये, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो चीफ बनाए गए हैं चेयरमैन, उनका नाम है सुभाष कामत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। बहुत 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसको बनाया गया जापान के नया प्रधानमंत्री? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, योशी हिदे सुगा। आप सबको पता होगा, न्यूज़ अगर आप सुनते होंगे तो शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ स्वास्थ्य की वजह से इन्होंने रिज़ाइन दिया था। स्वास्थ्य इनका सही नहीं चल रहा था, हेल्थ प्रॉब्लम थी कुछ, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन दिया और उसके बाद योशी हिदे सुगा नए बनाए गए हैं जापान के प्रधानमंत्री। रट लीजिए, पूछा ही जाएगा। जापान की बात करी जाए, जापान की कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी की बात करी जाए तो है येन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा। योशी हिदे सुगा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई यूरो मनी 2020। अब यूरो मनी 2020 क्या है? यूरो मनी 2020 जो यूरो मनी है, जो ये नाम लिखा है आपके सामने, यूरो मनी लंदन की बिजनेस मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एक मैगजीन है, बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड है यूरो मनी। तो यूरो मनी ने ये हर साल अवार्ड देते हैं, इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है मिस्टर आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी कौन है? आप सब लोग जानते होंगे, एमडी हैं एचडीएफसी बैंक के, एचडीएफसी बैंक के एमडी हैं, और कब से हैं? 1994 से। तो इनके बारे में बोला जाता है कि किसी भी प्राइवेट बैंक का के ये पहले ऐसे हेड है जो इतने लंबे कार्यकाल तक अभी तक हेड बने हुए हैं, आदित्य पुरी। इसके साथ साथ इनके बारे में एक ये भी बोला जाता है कि 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बैंक हैं उसके एकमात्र ऐसे सीईओ थे हाईएस्ट पेड, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा थी 90 लाख रुपए महीना। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप याद रख लीजिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हॉल ऑफ फेम में भी इनको शामिल किया गया है 2020 में। इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है 2020 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेम द बुक विच वॉज ऑथर्ड बाई इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान। गौरी खान इंटीरियर डिज़ाइनर, ये कौन है? ये है शाहरुख खान की वाइफ। आप सभी लोग जानते होंगे शाहरुख खान कौन है, फिल्म एक्टर हैं, इनकी वाइफ हैं गौरी खान, ये इंटीरियर डिज़ाइनर है। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है, बुक का नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माई लाइफ इन डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइन से आपको याद रखना है, याद करने का तरीका है लास्ट में डिज़ाइन है, माई लाइफ इन डिज़ाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स एट दरभंगा, वेयर इट इज़। अभी यूनियन कैबिनेट ने, जो कैबिनेट है हमारा, उसने अप्रूवल दे दिया है कि दरभंगा में भैया एम्स बनाया जाएगा। तो ये दरभंगा कहाँ पर है, किस राज्य में है? करेक्ट आंसर आपका बिहार। कहाँ पर है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फ्रॉम पलवल टू सोनीपत। हु इज़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा? पहले तो बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको बता रहे हैं कैबिनेट के जो भी डिसीजंस होते हैं, एक तो कैबिनेट डिसीजन, ठीक है,
अभी मैं आपको देता ही हूँ, आप हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बाकायदा ऊपर एक टैब दिया गया है कैबिनेट डिसीजन का, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारे कैबिनेट डिसीजन वहाँ रोज़ के रोज़ अपडेट होते हैं। कोई भी कैबिनेट का डिसीजन या कोई कैबिनेट का अप्रूवल आता है, वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आपका कैबिनेट अप्रूवल हो गया, इसके साथ आपको सबको पता है कि अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा में आए दिन कोई ना कोई बिल पास होते रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब मंथ खत्म हो जाएगा, जब संसद का पूरा सत्र खत्म हो जाएगा, तो जितने भी बिल पास किए गए हैं उन सारे बिल की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये सब ज़रूर पढ़ते रहे, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट के डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ अकेले RRB NTPC ही नहीं, आप और अगर PCS वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं PSC वगैरह के, उसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो बहुत हेल्पफुल होते हैं ये सब चीज़ें। आपको पढ़ना है, आप खुद से नोट्स बनाइए और अच्छे से ढंग से पढ़िए। सिर्फ ऊपर ऊपर हवा हवा नहीं, पूरी चीज़ पढ़िए। कैबिनेट डिसीजन कौन कौन से होते हैं, और आपका जो राज्यसभा में कौन से बिल पास हो रहे हैं, लोकसभा में कौन से बिल पास हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ने उस बिल को अप्रूवल दिया है कि नहीं दिया, एक्ट बना है कि नहीं बना, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए, हरियाणा सरकार जो यूनियन कैबिनेट है, इसने जो है अप्रूवल दिया है कि हरियाणा में भैया एक रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसकी जिसकी लंबाई होगी 121.7 किलोमीटर, 121.7 किलोमीटर। इसके ऊपर 5,617 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भैया हु इज़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो गवर्नर की बात कर ली जाए तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, आप सबको पता है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की अगर बात करी जाए, कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हमारे सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। 121.7 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होगा, जिसके ऊपर 5,617 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और जो ये जिम्मा दिया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है HRIDC, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको दिया गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अ पोस्टेज स्टैम्प रिलीज्ड ऑन इंडियाज फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT, नेम आपको बताना है। देखिए भाई, अभी ये जो इंजीनियर्स डे था हमारा 15 सितंबर 2020 को इंजीनियर्स डे होता है। इंजीनियर्स डे वाले दिन ये एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। भारत की जो पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल थी, आपको उसका नाम बताना है कि वो कौन सी एंटी सैटेलाइट मिसाइल थी। और ये DRDO ने सक्सेसफुली इसका परीक्षण किया था, DRDO ने, और ये 29 या 19, कुछ एग्जैक्ट डेट है ऐसे ही, मार्च 2019 में इसका परीक्षण किया गया है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ये 29 मार्च 2019, जी हाँ 27 मार्च 2019 को इसका परीक्षण किया गया था। भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। इसका करेक्ट आंसर है आपका, क्या नाम है, मिशन शक्ति, जी हाँ। और इसी के ऊपर 15 सितंबर 2020 को एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, अ बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC, वेयर इज द ECOSOC हेडक्वार्टर्स। पहले समझिए क्या है ये। यूनाइटेड नेशंस, आप सभी लोग जानते हैं क्या है, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन्स बॉडी होती हैं। जैसे हमारे शरीर में होते हैं ना ऑर्गन्स, जो अंग होते हैं जो काम करते हैं, ऐसे यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स बॉडी हैं जो इनके लिए काम करते हैं। मतलब कि पूरा यूनाइटेड नेशंस के 6 मेजर पार्ट हैं, पार्ट भी नहीं बोल सकते आप, अंग ही बोलिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, ऑर्गन्स बोलिए, ऑर्गन बॉडी ही इनको बोला जाता है। उसी में से एक आता है हमारा ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 6 ऑर्गन बॉडी हैं जिसमें आपने सुना होगा, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सब इसी के ही पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन्स बॉडी। उसी में एक आता है हमारा ECOSOC, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें जो है आपका 54 मेंबर्स होते हैं। और इसका अगर आपको इलेक्शन जीतना है, कोई भी कंट्री अगर इसका, जैसे मान लीजिए इलेक्शन होता है, तो कोई भी कंट्री कैसे उसमें
अपॉइंट होता है या इलेक्ट होती है कोई कोई भी कंट्री, तो जो 54 कंट्रीज़ होती हैं ये वोट करते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है 28 मेंबर्स का, अगर वोट मिल जाए 28 कंट्रीज़, आपको 28 कंट्रीज़ वोट कर दें, मतलब मिनिमम 28 चाहिए चाहिए मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। तो जो इलेक्शन हुआ था इसमें अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना, इन तीन कंट्री ने भाग लिया था, जिसमें कि अफ़गानिस्तान को 39 वोट्स मिले, इंडिया को 38 वोट मिले और चाइना को 27 वोट्स मिले। तो चाइना को मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए चाइना इसका मेंबर नहीं बना, अफ़गानिस्तान और इंडिया इसके मेंबर बन गए हैं। तो हमसे पूछा गया है इकोसॉक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क में, और यहीं पर यूनाइटेड नेशंस का भी हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता चुका हूँ कि फिलीपींस में है, और इसके हमारा क्या बोलते हैं जो इसके प्रेसिडेंट हैं आपके सामने है मसात्सुगु असाकावा, ऑप्शन बी, ये इसके ADB के प्रेसिडेंट हैं, जनवरी 2020 में अपॉइंट किए गए हैं, ADB के प्रेसिडेंट हैं, जनवरी 2020 में अपॉइंट किए गए हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, हिंदुस्तान के लिए कंट्री डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ताकियो कोनिशी, और ये रिप्लेस करेंगे केनिची, आपके सामने है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाम, योकोयामा, इनको रिप्लेस करेंगे। अब नए कंट्री डायरेक्टर बना दिए गए हैं टेकियो कोनिशी, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहाँ पर है, फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के 68 टोटल मेंबर्स हैं, मतलब 68 कंट्रीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स। पेटीएम का, ये पेटीएम की ही सब्सिडरी है, अभी उन्होंने लॉन्च किया है कुछ दिन पहले ही, 2 या 3 दिन पहले, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के नाम से, और आप सबको पता होगा अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही पेटीएम को गूगल प्ले ने पॉलिसी वॉयलेशन के चक्कर में पेटीएम ऐप को अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर से हटा दिया था 4 या 5 घंटे के लिए, आप सबको पता होगा। वो इसीलिए क्योंकि बोला है गूगल की पॉलिसी है कि आप कोई भी ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स, या जिसको बोलते हैं ना सट्टा बाजारी, सट्टा टाइप का गेम, या आप जुआ, इस तरह के गेम्स आप ऑनलाइन नहीं खिलवा सकते हैं, इसलिए पॉलिसी वॉयलेशन किया था, इसलिए 5 घंटे के लिए गूगल प्ले ने उनका ऐप अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। तो ये वही चीज़ है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। ये क्या है, ये वो है पेटीएम फर्स्ट गेम, जैसे आपने नाम सुना होगा ड्रीम इलेवन ऑनलाइन क्रिकेट गेम है ना, आपका फैंटेसी लीग है, वैसे ही है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज अमेजॉन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। अमेजॉन का प्रोडक्ट आता है एलेक्सा, आप लोग शायद जानते होंगे, वॉइस असिस्टेंट है, आप कुछ भी उसको बोलेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, ठीक है। तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये बोलना चाहिए एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट बनाया गया, मतलब कि एलेक्सा को अपनी आवाज़ देंगे वो, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। और ये फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी हैं जिसको अमेजॉन ने एलेक्सा के लिए चूज़ किया है, सेलिब्रिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द स्टेट वाइड कैंपेन टाइटल माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कर्व द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। कोरोना वायरस को रोकने के लिए किस स्टेट ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन चालू किया है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र की सरकार ने, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये कैंपेन चालू किया है। इसके अंतर्गत जो भी हमारा जो वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके लोग घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और समझाएंगे, भैया आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको कोरोना वायरस को फैलने से बचाना है, ठीक है। तो इसलिए किसने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द प्रोमिनेंट आयुर्वेदा फिजिशियन एंड MD हु पास्ड अवे रिसेंटली। कौन है आयुर्वेद के फिजिशियन जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया था, ऑप्शन बी PR कृष्ण कुमार।
क्वेश्चन नंबर 22, नेम द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। कौन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था जिसने रिजाइन कर दिया है? आप सबको पता होगा, न्यूज़ में बड़ा बवाल मचा हुआ है कृषि विधेयक के ऊपर, फार्म बिल। ये लोकसभा में पारित हुआ, संसद में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद ये बिल फाइनली संसद से पास हो गया है। अब इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, एक्ट बनेगा। तो ये जब से आया है उसके बाद उसी की वजह से रिज़ाइन दिया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने रिज़ाइन दिया और अब इनकी जगह पर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। फार्म बिल एक बहुत ही सुलझा हुआ बिल है, जिसमें सिंपल एक फार्मर है, ये मान लीजिए फार्मर है और ये आपका मार्केट है, वो यहाँ पर इसको बेचना चाहता है 10 रुपये में। लेकिन क्या है, अभी तक क्या होता था, बीच में एक बिचौलिया आ जाता है, या बोल सकते हैं एजेंट बोल सकते हैं, वो कहता है नहीं 20 हमें दो, 20 हम लेंगे, ठीक है आपसे फार्मर से खरीदेगा 10 में और उसके बाद जो मार्केट है यहाँ पर बेचेगा 30 में। लिया 10 में, बेचा 30 में, बीच का 20 कहाँ गया, बीच का 20 उसकी जेब में गया। इस बिल में क्या आ गया, इस बिल में आ गया बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, फार्मर जितने में चाहेगा उतने में डायरेक्ट सीधे यहाँ मार्केट में जाएगा और अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेगा। जो कुछ भी अनाज वो पैदा करता है वो डायरेक्ट मार्केट में अब बेचेगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा, डायरेक्ट बेचेगा। जो ये बीच में जो खाने वाले हैं ये सब अब हट जाएंगे, बीच में अब कोई नहीं आएगा, वो डायरेक्ट। लेकिन हाँ, MSP बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि फार्मर कहेगा कि हम 1 रुपये में बेचें, नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है MSP कि प्याज का कितना, इस MSP मतलब इससे नीचे आप नहीं बेच सकते हैं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब क्या है कि मतलब 4 रुपये रख दिया आपका, मान लीजिए आलू है, गवर्नमेंट ने बोल दिया 4 रुपीज़ पर केजी इसका MSP है, मतलब अब आप उससे नीचे नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। मतलब बोला गया है जो मार्केट में जो खरीदेंगे, ये नहीं है कि वो 4 में बेच रहा आप कहोगे नहीं हमें 1 में चाहिए, नहीं, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है 4, तो अब इसके ऊपर ही बेचा जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग एज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुरेश रैना को। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन गेट्स द फर्स्ट अवार्ड इन द ओवरऑल कैटेगरी इन सेकेंड उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड। तो विश्वकर्मा अवार्ड, विश्वकर्मा जयंती होती है 17 सितंबर को, उस दिन दिया जाता है। उत्कृष्ट संस्थान, जो भी हमारे AICTE के अप्रूव्ड जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, उनको दिया जाता है। अलग अलग 14 कैटेगरीज में दिया जाता है और उन सारी कैटेगरीज़ को मिला के ओवरऑल कैटेगरी बनाई जाती है। तो उस ओवरऑल कैटेगरी में पहला प्राइज़ जो मिला है वो किसको मिला है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 18 सितंबर 2003 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर अगर हम बात कर लें वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को। और अगर बात करी जाए इसकी, जो 2020 मनाया गया है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020, इसकी जो थीम थी, इम्पॉर्टेंट है याद रख लीजिएगा, सॉल्व वाटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विद विच बैंक टाइटन पार्टनर्स टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंस पेमेंट वॉचेस नेम टाइटन पे। किस बैंक के साथ टाइटन ने पार्टनरशिप करी है, टाई अप किया है, भैया हमें कि ऐसी वॉच बनाएंगे टाइटन पे, कॉन्ट्रैक्ट लेस पेमेंट होगा इससे, इसके अंदर एक चिप लगी होगी, मतलब आप अगर वॉच पहने हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेस आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस बैंक के साथ टाई अप किया है, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। क्वेश्चन नंबर 27, बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा रिलीजेज अ बुक टाइटल्ड लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स। ये रिलीज करी गई है प्राइम मिनिस्टर का जब बर्थडे होता है 17 सितंबर को, उस दिन रिलीज करी गई है, जेपी नड्डा ने रिलीज करी है लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स, इस बुक का नाम है, इसके ऑथर पूछा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरीश चंद्र बर्नवाल,
हरीश चंद बनवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ माली। माली एक कंट्री है हमारा वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है। इसके हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, नाम बताना आपको उनका क्या नाम था। ऑप्शन ए मौसा त्राओरे, मौसा त्राओरे 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MAIT, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नितिन कुनकोलियनकर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? ऑप्शन सी विकास खन्ना, शेफ हैं ये, इनको दिया गया है और इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था फीड इंडियंस के नाम से, फीड इंडियंस। कोरोना टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर इन्होंने बहुत से लोगों को, ठीक है, भोजन उपलब्ध कराया, इस वजह से इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया है। शेफ हैं, नाम है विकास खन्ना, नाम याद कर लीजिए, विकास खन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड। तो ये थे हमारे इस वीक के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीक पे अब फिर मिलेंगे, अगले संडे को आपको नेक्स्ट और जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीक के, उसी के साथ पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम बचा है RRB NTPC के लिए। पूरे आप मैक्सिमम, जितना आप मैक्सिमम इसमें स्कोर करेंगे GS वाले सेक्शन में, जो भी कुछ भी है, आप 30 भी करते हैं, 32 भी करते हैं, 35 भी करते हैं, जो कुछ भी, जितना मैक्सिमम करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।